नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच कर दीजिएगा। चलिए, आज बेहतरीन वीडियो होने वाला है, इसे एक एक स्टेप हम समझेंगे। जी हाँ, चलिए इसको स्किप ना कीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। जी हाँ, पी क्यू आर एस, ये है पी क्यू आर एस, हमारा एक व्यास है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ Q से R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, R से S तक की दूरी, P से Q तक की दूरी बराबर है। तब हमें क्या करना है, लाल रंग से जो हमारा शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल, और जो जितना भी हमें व्हाइट एरिया दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। समझ गए हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए और कॉपी पेन निकल कर आंसर इसका मुझे सेंड कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का आंसर, इस प्रश्न का आंसर जानना चाहते हैं तो चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें हमें कुछ चीजों को हमें क्लियर कर लेना फ्रेंड्स, कि कैसे यहाँ पर जो अर्धवृत्त बन रहा है, वृत्त के ऊपर एक अर्धवृत्त बनता है और वृत्त के नीचे का भाग और दूसरा अर्धवृत्त, तभी तो दोनों मिलकर वृत्त कंप्लीट होता है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे कि जो अर्धवृत्त है, ऊपर का पोर्शन है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो छोटा सर्कल बना है उसका भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जी हाँ, और पूरे जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा उसमें इस क्षेत्र को घटा देंगे तो हमें लाल रंग से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और दूसरा काम क्या करेंगे कि हमें आगे जब हमें अछायांकित भाग निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ये जो भाग है छायांकित का भाग क्या, उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, और दोनों का रेशियो कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से हमारा जो है पी क्यू आर एस एक सर्कल है, एक वृत्त व्यास है, इसकी त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है पी क्यू आर एस है, वो क्या है, पूरा व्यास है, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, मतलब व्यास हो जाएगा हमारा टोटल 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से कि प्रश्न में एक चीज़ और कहा दिया गया है कि ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, तो 12 को तीन भागों में बांट लेंगे और लिखा भी गया है कि तीनों इक्वल है, क्लियर है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, P से Q की दूरी, Q से R की दूरी और R से S की दूरी, ये तीनों बराबर है, मतलब तीनों का जो योग करेंगे ना फ्रेंड्स, इस तरह से ये तीनों का बराबर है, तो तीनों का योग किसके बराबर होगा हमारा, 12 के बराबर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब एक भाग यहाँ से कितना गया हमारा, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से क्यू आर भी कितना गया, 4 सेंटीमीटर, ये भी आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं जो ऊपर जो यहाँ पर अर्धवृत्त बना है पी एन एस, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा अर्धवृत्त पी एन एस का क्षेत्रफल, तो उसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो होगा अर्धवृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अब इसका हम कर देंगे आधा, तभी तो अर्धवृत्त हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर पाई आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, आर हमारी जो पूरा जो अर्धवृत्त है कंप्लीट वाला क्या है, त्रिज्या उसकी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा पाई का पाई रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 6 का पूरे का स्क्वायर बटा 2, और पाई 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और पाई बटा 2, और 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2 18। तो इस तरह से जो ऊपर का जो पूरा अर्धवृत्त बना उसका क्षेत्रफल आ गया 18 पाई वर्ग सेंटीमीटर। जी हाँ, अब काम का क्या करना है कि ये जो त्रिज यहाँ पर बना है सर्कल, उसका भी अर्धवृत्त निकालते हैं। तो ये Q बोल देते हैं, मान लो यहाँ पर जो एक और पॉइंट है यहाँ पर, मान लो T है, ठीक है फ्रेंड्स, तो QTS है ना, उसको बोल देंगे, दूसरा अर्धवृत्त है छोटा वाला, तो ये हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त QTS, ये हो गया QTS, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका भी पाई, सूत्र वही होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और उसका हम क्या करेंगे, आधा, ठीक है फ्रेंड्स। तब क्या होगा, पाई पाई है लेकिन आर यहाँ पर क्या होगा, फ्रेंड्स देखिएगा आर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 4 पूरे का वर्ग करेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो इस तरह से 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 पाई, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 8 पाई आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें जो क्या चाहिए था, छायांकित भाग का है ना, वो निकल जाएगा कि पूरा हमारा, पूरा जो क्षेत्रफल हमारा क्या गया था, पूरे का इतना आया 18 पाई आया है ना, और उसमें से इस भाग को माइनस कर देंगे तो हमारा जो लाल रंग से छायांकित वो निकल जाएगा। और इस तरह से हम इसे बोल सकेंगे कि जो छायांकित भाग है ना, उसका जो क्षेत्रफल आ गया, ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कितना जाएगा, टोटल क्षेत्रफल अर्धवृत्त का कितना आया था, 18 पाई, इसमें से हम क्या 8 पाई को कम कर देंगे तो कितना गया हमारा, 10 पाई आ गया, ये बच गया, ये आया हमारा इतना, वो है लाल रंग से छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं
अच्छा अंक की ओर। उसके लिए क्या करेंगे, जो पूरा जो वृत्त है उसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, तो पूरे जो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर कर दूँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है पाई आर का वर्ग। जी हाँ, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई आर का वर्ग। अब देखिएगा पाई का मान 22/7 होता है, या पाई पाई रख देते हैं, और जो आर आया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ा जो सर्कल है पूरा सर्कल उसकी त्रिज्या कितनी है यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ से 36, तो ये हो जाएगा 36 पाई आ गया। जी हाँ, पूरे सर्कल का, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से 36 पाई ये है पूरा सर्कल है, ठीक है, उसमें से केवल छायांकित को माइनस कर देंगे तो अछायांकित निकल जाएगा, ठीक है। तब जो हमारा जो अछायांकित भाग आएगा ना, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से पूरा जो क्षेत्रफल है पूरा वृत्त का है ना, तो पूरा क्षेत्रफल पूरा वृत्त का क्षेत्रफल उसमें हम माइनस कर देंगे किसको, छायांकित भाग को। जी हाँ, इस तरह से, तो अछायांकित निकल जाएगा, ये हो गया। बस कॉन्सेप्ट रहना फ्रेंड्स क्लियर, तो बड़े से बड़े सवाल आपको आसानी से बनने प्रतीत होंगे। तो इस तरह से माइनस कर देंगे हम, यहाँ पर करेंगे पूरा क्षेत्रफल आ गया हमारा 36 पाई है, और उसमें हम माइनस करेंगे क्या, छायांकित भाग को, तो छायांकित हमने क्या निकाल दिया यहाँ से 10 पाई निकाल दिया है। जी हाँ, 10 पाई, तो अब देखेंगे इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या आ गया यहाँ से 26 पाई, ये हो गया हमारा अछायांकित। जी हाँ, छायांकित भाग आया हमारा 10 पाई और अछायांकित भाग जो है वो आया 26 पाई। अब दोनों का जो रेशियो है, ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का जो रेशियो है वो छायांकित अनुपात अछायांकित निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से अछायांकित। तो ये जो अनुपात करेंगे और जो हमें चाहिए था है ना, जो हमारा क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना था वो आ गया, तो यहाँ पर छायांकित भाग कितना गया 10 पाई आ गया यहाँ से, और जो अछायांकित भाग है वो आ गया हमारा 26 पाई, ठीक है। पाई से पाई काट देंगे यहाँ से, ये हो गया 2 के पहाड़ा में 5 बार में, 2 के पहाड़ा में 13 बार में, मतलब क्या आ गया हमारा 5/13, या इसी को और बोल देंगे 5:13, इतना है दोनों भागों का अनुपात। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यही तक है, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट करना ना भूलिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।